सेपऊ के हरनाथ का नगला के निकट सवारियों से भरा थ्री व्हीलर टेम्पो पलटने से हादसा हुआ है। बताया गया है कि हादसे के दौरान टेम्पो में आधा दर्जन से अधिक लोग सवार थे, तभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी दरमियान रास्ते से गुजर रहे दोनारी गांव निवासी युवक सोनू परमार ने मानवता धर्म निभाते हुए अपनी कार से टेम्पो के नीचे घायल पड़े एक अधेड़ को बाहर निकालकर उसे उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक सेपऊ कस्बे के निजी स्टैंड से उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ के लिए जाते समय रास्ते में टेम्पो के आगे का टायर फट गया, जिससे टेम्पो का संतुलन बिगड़कर वह सड़क किनारे पलट गया। इस दौरान आगरा के राजपुर चुंगी निवासी कालीचरण शर्मा घायल हुए हैं, जिनका CHC सेपऊ पर उपचार किया गया है। बताया गया है वह कपड़ा व्यापारी है, जो कि होलसेल विक्रेताओं से अपना लेन देन कर टेम्पो में सवार होकर वापस लौट रहे थे। टेम्पो चालक सहित सवार अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना मिली है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने साल 2010 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को पेड़ से बांधकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपी से वारदात को लेकर पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने बताया कि 12 साल पहले हिनौता चौकी के पास एक ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को पेड़ से बांधकर लूट की वारदात की थी। बोलेरो सवार 10 बदमाशों ने ट्रक के आगे गाड़ी लगाकर रोका था और ड्राइवर हेल्पर को पेड़ से बांधकर 700 बोरी चावल की लूट कर ले गए थे। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत न्यू बजरंग कॉलोनी की अधूरी पड़ी सड़क का स्थानीय विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की अनुशंसा पर जल्द ही सड़क निर्माण शुरू होगा। आपको बता दें कि कस्बे के भीमनगर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ द्वारिका मौर्य के मकान के सामने से राजू जादौन के मकान तक की लगभग 300 से 400 मीटर के एरिए में पक्की सड़क नहीं होने से मोहल्ले के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घरों से निकलने वाला पानी आसपास जमा होने से बहुत दिक्कतें आती है। साथ ही सबसे ज्यादा परेशानी तो बारिश के दिनों में होती है, जहां से पैदल निकलने में भी बहुत दिक्कतें आती है। इन्हीं समस्याओं को लेकर कल पत्रकार विष्णु सोनी ने ग्रुप के माध्यम से अपनी बात विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के समक्ष रखी, तो विधायक ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और नगर पालिका चेयरमैन जलालुद्दीन खान को सड़क निर्माण के लिए निर्देशित किया, जिस पर चेयरमैन ने जाकर कॉलोनी का मौका मुआयना किया और सड़क निर्माण की मंजूरी प्रदान कर जल्द ही सड़क निर्माण करने की बात कही। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में भाजपा के नव निर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उन्होंने जिले के सभी कार्यकर्ताओं को नए भवन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए कार्यालय से संगठन को बढ़ाने में बल मिलेगा, जिससे 2023 के चुनाव में भाजपा अपार सफलता प्राप्त करेगी। कार्यक्रम में पधारे भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर कार्यालय भवन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सांसद डॉ. मनोज राजौरिया, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह उत्सव का अवसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी जिलों पर पार्टी के कार्यालय बनाए जाने की कल्पना की थी और आज हम उनके सपने को पूरा कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पार्टी कार्य संचालित करने के लिए कार्यालय सौंपा है। कार्यकर्ताओं को समर्पित यह कार्यालय 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगा। संगठन जिस मजबूती के साथ काम कर रहा है, अब हमारे संघर्ष को और अधिक मजबूती और धार मिलेगी। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज राजस्थान की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने वर्चुअल तरीके से और फिजिकली हनुमानगढ़ में कार्यालय का उद्घाटन किया है और पूरे राजस्थान के जिलों में आज वर्चुअल इस कार्यक्रम को दिखाया गया है। धौलपुर में भी एक भव्य और सुसज्जित कार्यक्रम कार्यालय का आज वर्चुअली उद्घाटन हुआ है। मुझे इसमें आने का अवसर मिला। पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागणों ने सभी लोग मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ आज पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर भाग लिया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली एवं दिशा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बाल यौन शोषण एवं बाल मजदूरी की रोकथाम हेतु गिरीश गुर्जर बाल कल्याण समिति सदस्य की अध्यक्षता में शंकर सिंह गुर्जर एसोसिएशन सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया,
जिसमें गिरीश गुर्जर ने लैंगिक अपराधों के लंबित प्रकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बाल कल्याण समिति गंभीरता से लेगी और पहल करेगी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली के परियोजना अधिकारी छगन लाल ने संस्था का परिचय दिया और चलाए जा रहे एक्शन प्लान के बारे में भी चर्चा की। राजस्थान के धौलपुर जिले में बाल श्रम, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी एवं लैंगिक अपराधों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु धौलपुर जिले में कार्य कर रही है। इसी क्रम में धौलपुर को श्रम मुक्त बनाने हेतु बचपन बचाओ आंदोलन के तहत पुलिस महानिदेशक जी के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में बच्चों को बाल मजदूरी, बाल तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने हेतु 1 मई से 31 मई तक एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। सर, मैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और दिशा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संपाददाता महोदय जी शामिल हुए। इसमें बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु जो चलाए जा रहे जो प्लान है उसके बारे में अवगत कराया। इस मंथ 1 मई से 31 मई तक जो एक्शन प्लान जो चल रहा है उसके बारे में सभी संवाददाता महोदय से और विचार विमर्श किए और एक बैठक का आयोजन किया गया। आज धूल परिसर ऑफिस में दिशा फाउंडेशन एवं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बालकों से संबंधित बाल मजदूरी एवं बाल शोषण के संबंध में पत्रकार वार्ता में बताया गया और उनके एक्शन प्लान के बारे में बताया गया। जो दिशा फाउंडेशन के तत्वाधान में जो कार्य किए जाएंगे उसके बारे में बताया गया। ये हमारा जो अभियान है वो निरंतर जारी है और हम इसको यहाँ जारी रखेंगे। जो दिशा फाउंडेशन का एक्शन प्लान है उसके अंतर्गत हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। चोरी करिए, भ्रष्टाचार करो, बलात्कार करो, जनता की लड़ाई के गिरफ्तारी देवे आए साहब। अरे तू बात ना भाई, जो ऊपर के आदेश धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। खुशखबरी, 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 अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट: रोयटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतौ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।